है गाइस, मैं हूँ शेख मुस्तफ़ा, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है शाहरा, तो शॉपिंग चल रही है भाई लोग की। बुलेट जो जाना, बुलेट को जाना, शॉपिंग चल रही है भाई लोग की, और क्या। तो अभी हम जा रहे कल की तैयारी करने, तो थोड़ा बहुत सामान है लाने, तो देखते चलते हैं और क्या, मिलते आगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं मालपुआ लेने तारी के लिए। तो गाइस, आज तो मालपुआ मिला नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे, इसलिए मालपुआ मिला नहीं इफ्तारी में। इफ्तारी में प्लान था कि मालपुआ खाने का, बट इफ्तारी के बाद चाय से खाएंगे, देखेंगे, राउंड मारेंगे और एक ही। तो आज इफ्तारी में खाली फ्रूट्स। तो फाइनली गाइस, हम लोग को मालपुआ मिल गया है। यहाँ पीछे धारावी से, धारावी में मालपुआ बन रहा था, हम लोग ने यहाँ से ले लिए। बहुत ढूंढे, बहुत देर तक ढूंढे, नहीं मिला, धारावी में मिल गया फाइनली। तो चलते घर पे, खाते इफ्तारी में आज फ्रूट्स खाए हैं, तो मालपुआ पहले खाएंगे। चलो देखते हैं मालपुआ टेस्टी है कि नहीं, वो भी बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है मालपुआ पार्टी। तो रमजान की आखिरी दिन मालपुआ खाने में था, तो कोई बात नहीं, तो खत्म कर दो। मालपुआ बहुत अच्छा था, बट ऐसा मालपुआ हम लोग ने पहले भी खा चुके हैं। तो कालीन भैया ने हमें कालीन दिया था, तो चलिए ये है कालीन भैया का कालीन, ये मिर्जापुर से आया है, ये मजाक है, सीरियस मजाक है। तो ये कालीन है, कलीद है, तो ईद के लिए काम आएगा, इसलिए निकाला गया है। तो कल आप देख लेना ईद में क्या होता है। ये कालीन जो है 5000 का कालीन है, जो हम लोग ने मस्जिद मंदिर से बाय किया था, बेस्ट है, 3 साल हो गया जो यूज कर रहे हैं हम लोग ने, इसको वॉशेबल है। मिलता हूँ आगे, और कुछ काम रहा तो भी दिखाता हूँ। चलो के प्याले जो 8 साल पुराने हैं हमारे घर पे रखे हुए, ये 8 साल पहले 1100 में लिया गया था, तो ये टाइम तो होएंगे थोड़े महंगे और क्या। तो ये तो दूसरा काम, तो आपको अगर ये प्याले देखना है तो कल ईद हमें कल शेरपुरमा बनेंगे, तो उसी टाइम देख लेना और क्या। मिलता हूं अभी, दूसरे का काम है, देखते हैं अभी और आगे। प्यालों के बाद ये काम था कि ट्रेन निकालना था, वो भूल गया था मैं, तो फाइनली ट्रेन निकली है। और इसका रेट है 400 रुपीज, और ये 5 साल पुरानी है शायद से। हमारे पास बाबा आदम के जमाने की चीजें हैं, क्या बात है। मिलता हूँ। हे गाइस, मैं हूँ शेख मुस्तफ़ा, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है ईद उल फितर, आप सभी को ईद मुबारक हमारे तरफ से और हमारे घर वालों की तरफ से। आज क्या होता है, आज का दिन कैसा रहता है, आज क्या क्या हम एक्टिविटीज करते हैं, सब आपको बताएंगे। तो आज लेट ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ मैंने, 1:30 बज रहा है दोपहर का, अभी तक सेवई पिया नहीं घर के आप लोग के लिए, क्योंकि भूख ही नहीं लगी थी, नाश्ता हो गया था सुबह इसलिए। तो सबसे पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद सेवई खाएंगे। तो आज खाने में क्या है देखिए, ये टोप में चावल और वो टोप में दाल। तो आज हमारे घर पर बना है दाल गोश्त, वाह भाई। तो आओ बिस्मिल्लाह करते, तो फ्रेंड्स खाना हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं सेवई बांटने अम्मी के साथ। और सेवई अभी तक पिया नहीं, आखिरी में दिखाएंगे आपको,
पियेंगे कभी ना कभी, क्योंकि सुबह से पेट भरा हुआ है तो इसलिए नहीं पिए। तो सबसे पहले बाट के आएंगे, फिर देखेंगे इंशाल्लाह मन करा तो पी लेंगे और क्या। तो फ्रेंड्स हम लोग आए थे अभी 90 फीट रोड पे मम्मी की फ्रेंड्स को सेवई देने, तो मम्मी गए देने, मैं खड़ा हूँ बाहर अभी रोड पे। तो बस इंतज़ार है हमारे मम्मी का, आएंगे लेके जाएंगे हमें वापस से घर पे, क्योंकि कुछ दोस्त लोग को सेवई देना है। मैं भी शायद से निकलूँगा, रोड पे खड़ा हूँ, आवाज़ कम आएगी क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया। ओके, और माइक भी खरीद लेंगे जल्दी, और मिलता हूँ अभी। नेक्स्ट क्या चीज़ करेंगे अभी बताऊँगा मैं आपको। तो दोस्तों शिरकुरमा तो थी एक नंबर, मज़ा आ गया। साल में एक टाइम पीने मिलती है, नहीं साल में दो टाइम पीने मिलती है, तो शिरकुरमा बहुत अच्छी थी। अभी 7:30 बज रहा है, सो गया था थोड़ी देर के लिए, फिर उठा, दोस्त लोग से मिला, फिर अभी वापस से व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है आगे, आगे क्या एक्टिविटी करेंगे। मोस्टली इसके बाद शायद से पता नहीं क्या होगा, देखते। अगर रहा तो कुछ रिकॉर्ड करने लायक रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो फिर